स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा के बारे में देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं हम, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग को, और फ्रैक्शनल पार्ट को बोलते हैं हम मैंटीसा। उसके बेसिस पे हमने एक नोट लिखवाया था, उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ नया पढ़ेंगे आज। वो हमारा नोट क्या था कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, देखना एक बार लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स having characteristic alpha when base of the log is beta will be, क्या आया था हमारा, बीटा की पावर अल्फा प्लस वन माइनस बीटा की पावर अल्फा। इसको हमने ऐसे लिखा था, बीटा की पावर अल्फा इंटू बीटा माइनस वन। ठीक है, इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो या नोट के फॉर्म में लिख लो। नेक्स्ट नोट क्या है कि पहले मैं बोल देता हूँ, ओरल समझाता हूँ, उसके बाद हम लिखते हैं। क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं उनके अंदर क्या है कि डिजिट सेम है और उनका ऑर्डर भी सेम है। ठीक है ना, तो उनका अगर हमने लॉग लिया बेस 10 के साथ, तो क्या होगा, हमारा जो भी नंबर आएगा ना उसका मैंटीसा सेम होगा। Only difference will be of characteristics. जैसे कि पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद उसको लिख लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया, let's say 25.359, ठीक है, और एक मैंने नंबर लिया 0.00025359. Let's say we are talking about these two numbers. इस नोट के अंदर क्या है वो मैं पहले इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर हम उसको लिख लेंगे। क्या बोला कि ये दो नंबर है मेरे पास, अब ध्यान से देखो इनके अंदर जो डिजिट्स हैं वो सेम है। जैसे इसमें 25359 है, इसमें भी 25359 है, और उसका ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर सेम है इसका मतलब 2 के बाद इधर से 5 आ रहा है, फिर 3, फिर 5, फिर 9, 25359। तो डिजिट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो ये नोट क्या बोल रहा है कि इन दोनों का अगर लॉग लिया ना बेस 10 पे, याद रखना बेस इज 10, तब जो नंबर आएगा उनका, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ इनका जो लॉग लिया उसका मैंटीसा पार्ट सेम होगा। ठीक है, कैसे लेके देख लेते हैं। तो मैंने इधर लिया लॉग टू द बेस 10, तो लेट्स से दिस इज माय x1 एंड दिस इज माय x2। तो वो क्या बोल रहा है कि x1 और x2 का जो लॉग होगा बेस 10 के साथ, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिफरेंट होगा, मैंटीसा सेम होगा। कैसे, मैंने लिया लॉग ऑफ x1 टू द बेस 10, तो कितना हो गया लॉग ऑफ 25.359 टू द बेस 10। इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2.5359 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 10 करके एक डेसिमल पॉइंट इधर खिसक गया टू द बेस 10। अब मैं, ये मेरा लेट्स ए है, ये मेरा बी है, तो लॉग ए भी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बी, तो क्या हो जाएगा 1 लॉग 10 टू द बेस 10 1 प्लस लॉग ऑफ 2 पॉइंट कितना है ये 5359 टू द बेस 10। ठीक है, अब याद करो, अब देखना एक चीज छोटी सी, पहले सोचो क्या ये मेरा मैंटीसा है, क्या ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले ये सोचो ऐसा है तो क्यों। आई टेल यस, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज मैंटीसा। ऐसा इसलिए, जैसे कि आप देखना ध्यान से कि मैंने अगर लॉग 1 लिखा तो कितना आता है 0, और अगर मैं 1 को इधर बढ़ाता गया, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा एंड सो ऑन, जब मैं लॉग 10 तक पहुंचा तो मेरा कितना आएगा 1, और सब में बेस 10 है, सब में बेस 10 है, और मुझे पता है बेस 10 है मतलब लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 पे वैल्यू आ रही है 0, तो 2 पे इससे ज्यादा आएगी, 3 पे उससे भी ज्यादा आएगी, 10 पे उससे भी ज्यादा आएगी। तो जो 2.5359 जो है ये कहीं ना कहीं इधर इधर आ रहा, इसके बीच में आ रहा होगा 2 और 3 के बीच में। अब मुझे पता है 1 से लेके 10 तक, देखो 1 पे तो 0 है और लॉग 10 1 है, तो 1 से तो कम होगी, 0 से ज्यादा होगी, 1 और 0 के बीच में क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा। सो दिस विल बी अ फ्रैक्शन। तो हमें पता है ना कि अगर नंबर में हमने फ्रैक्शन को अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बचेगा, ये इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1, ये क्या होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है मैंटीसा, एंड दिस इज मैंटीसा, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, चलो ये तो हो गया इस नंबर का। अब क्लेम क्या कर रहा था ये नोट कि x2 का भी मैंटीसा यही रहेगा, केवल फर्क पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैसे, वो देखते हैं, देखना ध्यान से। मैंने लिया लॉग ऑफ x2 टू द बेस 10, तो कितना आया हमारा लॉग ऑफ 0.00004 0 है,
25359। अब देखना, अब मैं डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में दिखा रहा हूं, तो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 2.5359 इनटू 10 की पावर, देखना क्या लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। जस्ट सी कि मैंने गलत लिखा या सही लिखा, लिखा डेसिमल ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। अब अगेन लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो जो जाएगा लॉग ऑफ बी क्या आएगा, देखो लॉग ऑफ 10 की पावर -5 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 2.5359 टू द बेस 10। नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट, -5 आगे जाएगा, लॉग 10 टू द बेस 10 इज 1, सो दिस इज -5 प्लस लॉग ऑफ 2.5359। तो मुझे पता है कि ये एक फ्रैक्शन आने वाला है, फ्रैक्शन मतलब 0 से 1 के बीच में, as this will be mantissa, तो ये क्या हो गया हमारा characteristics integral part, तो you can see ये mantissa और ये mantissa same है, log of 2.5359, log of 2.5359, clear है, समझ में आया। अब तुम इसको पहले तो इसको copy कर लो, अब मैं language form में लिखवा देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि two numbers, तो लिख लेता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ ज़्यादा better, तो तुम लोग copy करो, मैं rub कर रहा हूँ इसको, two numbers having same digits, numbers अलग अलग हैं, of course उनके अंदर digits same हैं, two numbers having same digits in same order भी same है, जैसे 2 के बाद 5 आ रहा है, फिर 3, फिर 5, फिर 9, उधर भी वही है, two numbers having same digits in same order will have same mantissa irrespective of location of decimal point, aise likh lo, irrespective of location of decimal point। और आखिर हाँ, इसमें एक चीज और अपन ऐड नहीं की, व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, 10 लॉग का बेस का लॉग 10 लोगे तभी ये चीज वैलिड है, तो इधर लिख लो टू नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स इन सेम ऑर्डर व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, इधर ऐसे लिख लो, इधर इस ब्रैकेट में ऊपर करके देखो, मैं इधर ऐड कर रहा हूँ, व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, यू मस्ट पुट इट हियर, व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10, तुम्हें इधर लिखना है, क्या लिखा है मैंने, ये इधर अच्छे से लिख लो, व्हेन base of log is 10, तभी ये valid है, तभी उन दोनों numbers का क्या होगा, mantissa same आएगा, irrespective of location of decimal point। I hope clear हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा point नहीं था, छोटा सा ही था, but था मतलब important है। चलो अब हम move करते हैं next point, next topic पे, इसी के अंदर next topic क्या बोलूँ उसको, एक point ही बोलूँगा, आज हम log table भी देखने वाले हैं, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, लिखो टॉपिक इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, इसका मतलब क्या है पहले वो देखते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, अच्छा देखो अब मैं ऐसे तो तुम्हें बोलूंगा नहीं कि 2, 3, 5, 9 है, इसके अंदर ये एक इंटीजर, इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं, तो ये तो बहुत मतलब एब्सर्ड क्वेश्चन हो गया कि भाई कोई भी बता देगा इसके अंदर 4 डिजिट है, क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा पहले वो देखते हैं, वो बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन, लेट्स से ऐसा बोलेगा 2 की पावर 59 या फिर 3 की पावर 100, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, यू कैन नॉट कैलकुलेट इट प्रैक्टिकली, ठीक है कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, असंभव है, बट बहुत टाइम लेगा, 2 को 59 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो नंबर आएगा उसके अंदर तुम्हें डिजिट काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है, तो बहुत टफ हो जाएगा, तो उस सब क्वेश्चन को डील करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्या बोला मैंने 2 की पावर 59 एक नंबर है, इंटीजर है, उसके अंदर डिजिट्स कितने हैं, सिंपल, उस चीज को हम सीख रहे हैं, ठीक है चलो, तो देखते हैं इसको समझाने के लिए क्या किया, देखना मैंने लिखा लॉग 1 कितना होता है, अब हम 10 बेस 10 की बात कर रहे हैं, दिस इज 0, चलो फिर मैंने इधर लिखा लॉग
10 कितना होता है टू द बेस 10 विच इज 1, तो इधर लिखा log ऑफ 100 कितना होता है विच इज 2, 10 बेस की बात चल रही है, और लास्टली एक और लिख लेते हैं log ऑफ 1000 विच इज 10 क्यूब विच इज 3, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल सी वैल्यूज है। अब सुनना ध्यान से मेन बात, मैंने बोला कि जैसे log 10 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेस 10 है, 1 से बड़ा है, तो 10 के बाद मैं आर्ग्यूमेंट को बढ़ाते 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 100 तक ले गया, तो मेरा जो नंबर है वो क्या रहा है, इधर 1 है इधर 2 है, तो इनके बीच के सारे नंबर क्या होंगे, 1 पॉइंट समथिंग। तो लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से 55 की, बीच में कहीं तो 55 आएगा, log ऑफ 55, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग होगी। अच्छा, अब मैंने बोला इसकी वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन इसका इंटीग्रल पार्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1, क्लियर है? सुनना भी, उसके बाद हम इसको बना रहे हैं, आंसर पे ला रहा हूं मैं तुम्हें कैसे निकालेंगे। अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, 100 पे log की वैल्यू 2 है, 1000 पे 3 है, इसका मतलब बीच में कहीं नंबर, लेट से मैंने बोला 576 है, log ऑफ 576 टू द बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 पॉइंट समथिंग, मैंने बोला 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2, दैट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखना, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर ऑफ डिजिट्स में रिलेशन देख रहे हैं, देखना जब मैं 10 से लेके, देखना इधर से 10 से लेके 100 तक गया, सारे डिजिट्स कितने, 2 डिजिट्स नंबर है। अब सोचना उन सभी 2 डिजिट्स नंबर का अगर मैंने लॉग लिया बेस 10 के साथ, तो यू कैन सी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, 1, मतलब 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ रहा है। अब इधर आते हैं, 100 से लेके 1000 तक जो डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट्स नंबर है, उनका लॉग लेने पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो यू कैन सी द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट्स इट। वही हमें इधर सीखना था, क्या बोला, नंबर ऑफ डिजिट्स, या फिर ऐसे बोलो नंबर ऑफ डिजिट इज 1 मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उल्टा बोल लो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे मैंने इधर लिया 784, तो 784 इज क्या है, 3 डिजिट नंबर है, तो 784 का जब मैं लॉग लूंगा 10 बेस के साथ, वो आएगा 2 पॉइंट समथिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आया, तो डिजिट्स कितने थे उसमें एक्चुअली 3, तो आया कैसे, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, क्लियर है बच्चों, तो उसी को लिख लो इधर। इसके क्वेश्चन पे हम एक इसके आधार पे एक क्वेश्चन लिख लेंगे जो जेई में ही पहले आया हुआ है, तो लिखो नंबर ऑफ डिजिट्स इंटीजर में क्या लिखेंगे, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज अल्फा, ऐसे लिखो इफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अल्फा, इफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अल्फा, और इधर लिख लेना ब्रैकेट में व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन बेस 10 लेंगे तभी की बात चल रही है, व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10 देन नंबर ऑफ डिजिट्स, इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर इज अल्फा व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10 देन नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी अल्फा प्लस 1, ठीक है ना। जैसे इधर एक 1 आया था कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसमें डिजिट्स कितने हैं 2, इधर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसमें डिजिट्स कितने हैं 3, तो इफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अल्फा देन नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी अल्फा प्लस 1। आई होप क्लियर हुआ होगा, काफी स्ट्रेस दिया मैंने काफी, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पहले तो रिमाइंड करके क्वेश्चन सुनो, तो फिर भी डाउट आता है तो फिर मुझसे पूछो, ठीक है। चलो, अब हमने इसकी बात कर ली, किसकी, इंटीजर्स की बात कर ली, अब हम फ्रैक्शंस के बारे में डील करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको पॉज करके इसको कॉपी करो, मैंने बोला नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्वेश्चन किस टाइप का बनता है देखना, चलो एक काम करते हैं, पहले उससे पहले इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शन में मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज, देखना क्वेश्चन है तो उससे आइडिया लग जाएगा, तो मैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, लेट log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.30, वैसे एक्चुअली 3.3010 होता है बट अप्रोक्सीमेट लिख लिया मैंने, सो दैट कैलकुलेशन हमारा कम हो, 0.30, और उसने दे दिया log 2 टू द बेस 10 इज 0.48, अगेन 0.48 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन
25 की पावर 20 इंटू 18 की पावर 50। क्या करो तुम लोग, पहले वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है? तो ज्यादा सीखने मिलेगा। अगर अटकते हो देन लुक एट माई सोल्यूशन, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है? आप कैसे करें, तो इससे पहले वाले नोट के हिसाब से अगर हम मैंने सॉल्यूशन का फ्लो बताऊं तो क्या बोलूंगा कि जो नंबर दिया है उसका मैं लॉग लूंगा, फिर देखूंगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है। अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स 100 आया तो मैं बोलूंगा इस नंबर के अंदर, इस वाले इंटीजर के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने, 101। तब मैं आप लोग, तो अल्टीमेटली क्या करना है मुझे, इस नंबर का लॉग लेना है विद अ बेस 10। उसमें हमारा लॉग 2 और लॉग 3, ये लॉग 2 नहीं था, ये लॉग, वेट अ मिनट, दिस इज लॉग 3, दिस इज लॉग 3, ठीक है ना? उसमें लॉग 2 और लॉग 3 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये डाटा दिया है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, ये मेरा नंबर है x विच इज 25 की पावर 20, 18 की पावर 50। नाउ यू कैन सी ना कि ये नंबर तो बहुत बड़ा है, कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। एक तो पहली बात कैलकुलेट करो, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, इम्पॉसिबल है। तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ लॉग इन सच क्वेश्चंस, ठीक है ना? चलो अब सुनना, मैंने क्या बोला, हमें क्या करना है, इसका लॉग लेना है, सिंपल। और लॉग लेते वक्त इन दोनों लॉग्स का यूज होगा इधर। अब हमारा, अब देखो काम क्या हो जाएगा हमारा, उस लॉग को सिंप्लीफाई करना, ठीक है? उसके बाद फिर हम ये वाला नोट यूज करेंगे कि अगर उस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो 1000 आया तो हमारा आंसर क्या होगा, 1001, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स एक ज्यादा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड लॉग ऑफ दिस टू द बेस 10। तो हो गया हमारा लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 25 की पावर 20 इंटू 18 की पावर 50 टू द बेस 10। अब देखना, अगेन इट रिक्वायर्स थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग अभी लगेगा, ऐसा नहीं दिमाग नहीं लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए लगेगा। तो क्या करेंगे हम, जो भी नंबर दिए ना उसको प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे, उसका उनको छोटे नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर और फिर पावर 20, तो नेट पावर क्या होगा, 5 की पावर 40, तो दिस इज 5 की पावर 40। 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 इज 9 इंटू 2 और 9 को 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 और इसके पावर 50। क्लियर हुआ? अच्छा अब देखना और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लॉग ऑफ टू द बेस 10, ये हो गया 5 की पावर 40, अभी तक 3 की 2 की पावर कितनी आ रही है, 50, और 3 की पावर 2 इंटू 50, 100। देखो अगर अभी ओपन करोगे लॉग, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉग 5 की, बट लॉग 5 तो दिया नहीं है। तो अब दिमाग वाला काम आएगा थोड़ा सा, क्या कि हम क्या करते हैं, 5 और 2 को क्लब कर देते हैं इसके साथ, इधर 52 है उसमें 42 इसको दे देते हैं, तो 10 बन जाएगा, लॉग 10 तो 1 होता है। देखना अभी इधर दिमाग वाला पार्ट क्या आया, लॉग ऑफ, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर से 2 मैंने निकाल के 5 को दे दिए, तो कितना हो गया, 5 इंटू 2 की पावर 40, इधर 2 कितने बचे, 10, तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 100। समझ में आया? अब ये क्या लिखा है, लॉग 10, सॉरी 10 की पावर 40, तो इसको 10 लिख दिया मैं, इधर ही रफ करके लिख रहा हूँ, तुम अगले स्टेप पे लिखना, दिस इज 10। अब मैं ओपन कर रहा हूँ, क्या ओपन कर रहा हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, मैंने क्या किया, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी किया, तो दिस इज लॉग ऑफ 10 की पावर 40 प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर 10, और याद कर रखना सभी में बेस 10 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले सकते, 10 ही लेना है, मैंने 10 ही लिया है, प्लस लॉग ऑफ 3 की पावर 100, तो ये आ गया। अच्छा ये 10 बेस 10 है तो ये 40 आ गया, अगर लॉग 10 टू द बेस 10 इज 10 तो ये हो गया 40, प्लस ये 10 आ गया है 10 इंटू लॉग 2, प्लस ये 100 आ गया है 100 इंटू लॉग 3। अब समझ में आया लॉग 2 और लॉग 3 का यूज होगा हमारा, ये क्लियर है? चलो अब देखना उसको मैं कंटिन्यूस लिख रहा हूँ इधर, 40 प्लस 10 इंटू लॉग 2, लॉग 2 कितना है 0.30 प्लस 100 इंटू लॉग 3, और लॉग 3 कितना है 0.48। देख लेना कोई मिस्टेक नहीं हो कैलकुलेशन, तो ये हो गया 40 प्लस 0.3 इंटू 10 कितना हो गया 3, प्लस 0.48 इंटू 100 कितना हो गया 48, तो ये कितना आ गया हमारा 48 प्लस 43, तो 1191, तो दिस इज 91। अच्छा ये तो एक इंटीजर ही आ गया, बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं था, देखो अगर मैं इधर अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यूज लेता ना लॉक की, बट जो मैंने ली नहीं है, तो हमारा इधर 91 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है? हमें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब है, तो ये तो मेरी लॉक, उस नंबर के लॉक की वैल्यू आई। तो
इसका इंटीग्रल पार्ट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया, यही हो गया बिकॉज ये इंटीजर ही है. तो 91 इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक हो गया. अब 91 कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसने पूछा क्या था, इस नंबर के अंदर डिजिट्स कितने हैं. तो मुझे पता है डिजिट्स कितने होते हैं, इससे एक ज्यादा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 91 प्लस 1 व्हिच इज 92. हैज नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 92. कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 होता है. ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके कॉपी करो, अच्छा क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इसी कैटेगरी पे दे देता हूँ और तुम लोग सॉल्व करना. ठीक है ना, बस इसका नंबर अलग कर दूंगा मैं. ठीक है, चलो. सो दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. तो यही लिख लो, log 2 log 3. और नंबर ऑफ डिजिट्स में जो नंबर दे रहा हूँ वो देखना क्या लिख रहा हूँ मैं. 125 की पावर 4 इंटू 36 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 22. ये लिख लो, दिस इज माई नंबर x. मुझे बताना है इस नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. इसको तुम लोग होमवर्क के तौर पे करना. ठीक है, होगा तो अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे या फिर आई विल टेल इन व्हाट्सएप. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. जैसा कि मैंने अभी बोला था बीच में कि नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम फ्रैक्शन की बात करते हैं. अब किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा फ्रैक्शन में, कि जो हमारा नंबर है उसके अंदर, जैसे कि मैं लिख लेता हूं, जैसे मैंने तुम्हें दिया 2 की पावर -25 इंटू 3 की पावर -30 एंड समथिंग. चलो इतना ही नंबर लिखा. फिर मैं बोलूँ इस नंबर के अंदर ये नंबर किस टाइप का लिखा होगा, ऐसा कुछ तो लिखा होगा 0.00000. बहुत छोटा नंबर होगा, दिख रहा है ये बहुत छोटा नंबर है, इसमें काफी जीरो आने वाले हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है. तो लेट से ऐसा कुछ तो आ रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा ये आ रहा है, मैं मान लिया कि एक मिनट के लिए ऐसा है, इसी टाइप का होगा, मतलब जीरो तो होंगे इसमें बहुत सारे. तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कि ये नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने पड़ेंगे किस किस के बीच में. एक तो डेसिमल पॉइंट प्लस दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है, और वो ये नंबर देगा. ठीक है, तो हमें लॉग की मदद से निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं पहले. ठीक है, तो क्या है, देखा मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको तुम्हें लिखना है तो यू कैन राइट नोट इट डाउन पॉज करके. मैंने बोला देखना, लॉग वन तो मेरा कितना होता है, टू द बेस 10 की बात चल रही है, अगेन सेम थिंग जीरो. फिर मैंने इसको घटाया, इंस्टेड ऑफ बढ़ाना मैंने घटाया. लॉग ऑफ 0.1 कितना होता है, 0.1 को क्या लिखूं, 10 की पावर -1, तो -1 आगे आएगा, तो दिस इज -1. फिर मैंने लिखा लॉग ऑफ 0.01, दिस विल बी -2. ये क्या होगा, 10 की पावर -2, फिर -2 आ गया है. लॉग 10 टू द बेस 10 इज 1, ये सब बेस 10 की बात चल रही है, तुम लोग को लिखना है. लास्टली मैं एक और लिख लेता हूँ, लॉग ऑफ 0.001 विच इज -3. ठीक है, आप सुनना ध्यान से. अब मैंने लेट्स से इन दोनों के बीच का एक नंबर लिया, इन दोनों के बीच का, तो 0.005. कैन यू सी दिस इज द नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, क्योंकि इस हम क्या कर रहे हैं, नीचे घटा रहा है, नीचे की तरफ नंबर घटा रहा है. तो ये नंबर जो है वो इससे तो बड़ा है एंड ऑफ कोर्स इससे छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं तो आ रहा होगा ये नंबर. क्लियर है? अच्छा, पहली चीज आप सुनना, ये -2 है, ये -3 है. तो इस नंबर को अगर मैंने लॉग के टर्म लिखा तो कितना आएगा, -2 point something, -2 point something आएगा. क्लियर है? -2 point something कैसे लिखा, इसका -2 आ रहा है, इसका -3 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में होगा -2 point something. अब सुनना, अब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहा हूं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कल बताया था नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है, मतलब जैसे -2.3 बोला, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -3 होता है, नंबर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट. तो इस नंबर के -2 point something लिखा है, जैसे -2.3 है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या नंबर है, -3.
So this is minus 3. एक मिनट के लिए मैं इसको बोल रहा हूं माइनस अल्फा, ठीक है? सुनना भी ध्यान से। अच्छा, इस नंबर में डिजिट्स कितने हैं? दो। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ, सॉरी डिजिट्स बोल रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस। तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस और कैरेक्टरिस्टिक्स में एक रिलेशन चाहिए। इधर कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है? माइनस थ्री। माइनस थ्री आ रहा है तो टू डिजिट्स है। अच्छा, एक मिनट के लिए इसके बीच का और लिख लो तो ज्यादा और अच्छा रहेगा। एक मिनट के लिए मैंने लिखा इन दोनों के बीच का एक नंबर, तो लेट से इससे बड़ा लिखना है 0.05, तो इसका क्या आएगा? माइनस वन पॉइंट समथिंग। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने में क्या आएगा? माइनस टू। अब देखना रिलेशन निकालो खुद से। इधर नंबर ऑफ जीरोस एक है तो इधर टू आ रहा है, माइनस को एक मिनट के लिए भूल गए। इधर नंबर ऑफ जीरोस टू है तो इधर थ्री आ रहा है, अगेन माइनस को भूल गए। तो अगर मैंने, अब मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस अल्फा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? इफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज माइनस अल्फा then number of digits will be, क्या होगा? अल्फा माइनस वन। रख के देख लो, इधर माइनस थ्री बोल रहा हूं तो अल्फा क्या बोल रहा हूं? थ्री। तो थ्री माइनस वन टू, टू जीरोस। अल्फा इसको माइनस अल्फा बोल रहा हूं तो अल्फा इज टू, तो अल्फा माइनस वन, टू माइनस वन, वन, वन जीरो। तो आ गया रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस, बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड लीस्ट फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? तो इसको कॉपी करो और फिर नोट लिखो। क्या नोट क्या होगा? नंबर ऑफ, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ फॉर अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, ऐसे लिख लो, फॉर अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, फॉर अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर ऑफ ऐसे लिख लो, इफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज माइनस अल्फा, और ब्रैकेट में लिखो व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10, देन नंबर ऑफ जीरोस, चलो प्रो लैंग्वेज फॉर्म में लिखो इसको, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन, किसके बीच में? डेसिमल पॉइंट एंड least significant digit will be, क्या होगा? अभी मैंने बताया अगर characteristics minus alpha है तो number of digits कितने आए? एक कम, मतलब minus alpha से क्या आया? पहले तो alpha को minus हटाया उधर से, alpha minus one, तो क्या हो जाएगा? Will be alpha minus one. This will be number of zeros between decimal point and first significant digit. लीस्ट नहीं फर्स्ट है, राइट इट एज फर्स्ट डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी अल्फा माइनस। समझ में आया बच्चों? तो इसके आधार पर भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है? चलो, तो मैं रब करने जा रहा हूँ उसको, यू शुड कॉपी इट। तो क्वेश्चन है हमारा, लेट एक्स इज इक्वल टू 12 की पावर माइनस 25 इंटू 3 की पावर माइनस 7, ठीक है? 12 की पावर माइनस 25 इंटू 3 की पावर माइनस 7, और उसने बोला टेक लॉग 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.30 जो पहले ली थी, और लॉग 3 इज इक्वल टू 0.48। और फिर क्या है? देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोस between decimal point and first significant digit. ठीक है, तो करते हैं इसको। जैसा कि मैंने अभी बोला, क्या कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने हमें बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो क्या करें, हम इसका लॉग ले लेते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस फाइव आया, एक मिनट के लिए माना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 1 विच इज 4। अगर मेरा आंसर, मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका माइनस 100 आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 100 - 1 दैट इज 99। क्लियर है? तो अल्टीमेटली माई टारगेट इज टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। अगेन दिमाग में क्या रखना है? आई हैव टू टेक लॉग विद अ बेस 10। ठीक है, तो लिख लिया हमने, निकाला लॉग ऑफ
12 की पावर माइनस 25 और 3 की पावर माइनस 7 टू द बेस 10। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले इस तो 12 को लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इसकी पावर माइनस 25 और 3 की पावर माइनस 7 इसका लॉग है। तो लॉग ऑफ 2 को अलग किया और 3 को अलग लिखते हैं, तो 2 को एक साथ लिखा और 3 को एक साथ लिखा, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 50 इंटू 3 की पावर इधर से माइनस 25 और माइनस 7 माइनस 32। अब दिख रहा है, अब लॉग ए प्लस लॉग बी लगाऊंगा तो लॉग 2 और लॉग 3 के टर्म्स में आ जाएगा। तो आई एम राइटिंग इट हियर, देखना लॉग ए प्लस लॉग बी लगाया और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस 50 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 50 लॉग 2 और इधर माइनस 32 लॉग 3 माइनस 32 लॉग 3। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो माइनस 50 इंटू लॉग 2, लॉग 2 इज 0.3 माइनस 32 इंटू लॉग 3 इज 0.48। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 48 इंटू 32 तो 169 83 24 4 3 12 14, तो 61351 1356, तो 0.48 है तो 15.36, तो दिस विल बी माइनस 15.36 और ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 53 से 15। क्लियर है, 53 से 15 तो ये हो गया माइनस 30.36। दिस इज व्हाट उस लॉग का वैल्यू। अब मैंने बोला इसका, चलो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, पूरा लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स में भी माइनस 31। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस 31 है तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 31 माइनस 1 विच इज 30, तो नंबर ऑफ जीरोस जीरोस विल बी 31 माइनस 1 अल्फा माइनस 1 विच इज 30। यस डन, समझ में आया इस टाइप का एप्लीकेशन किधर आया हमारा। इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम मूव करेंगे लॉग टेबल के ऊपर। ठीक है, हाउ टू फाइंड द लॉग, और जो लॉग टेबल है ना जो मैं बताने जा रहा हूँ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर, बट एक्चुअली क्या है, जब फिजिकली तुम लोग क्लास में बैठे होगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और एक बात और, जो लॉग टेबल है वो मैथमेटिक्स में कम यूज होगी, तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगी। ठीक है ना, सो बट फिर भी पढ़ा रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग कभी भी जेई में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा लॉग टेबल के ऊपर, मैथ्स में 100%। ठीक है, अगर कोई लॉग की वैल्यू यूज होती भी है किसी क्वेश्चन में, जैसे इधर हुआ लॉग 2 और लॉग 3, तो उस क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर देगा कि लॉग 2 इज 0.3010 या फिर लॉग 4 इज 0.487 ऐसा कुछ, तो बट कभी भी लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल आई मैंने को लगा कि ठीक है तुम लोगों को सिखा देता हूँ, तो हाउ टू फाइंड लॉग यूजिंग लॉग टेबल तो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, और तुम लोगों को भी साथ में अपने लॉग टेबल रखनी है, बिकॉज लॉग टेबल किसी को कोई याद नहीं कर सकता, बहुत बड़ी टेबल है। ठीक है ना, तो लॉग टेबल मैं भी अपने हाथ में रखूंगा वाइल एक्सप्लेनिंग। तो मैं उठा लेता हूँ हमारा लॉग टेबल। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं लॉग प्लस एंटी लॉग बोथ। तो पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और तुम लोगों को भी लॉग टेबल अपने हाथ में रखनी है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा मैं इस कॉलम में ये नंबर देख रहा हूँ ये नंबर, तो तुम लोगों को भी अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, और बाकी अगर जितना होता है अभी ठीक है, बाकी जब फिजिकली जब क्लासेस रेगुलर चालू हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना, तब उसको एक बार और देख लेंगे हम, एक घंटे की क्लास में और देख लेंगे, अभी जितना हो सकता है उतना हम देखते हैं। है बहुत आसान है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, और एक दो क्वेश्चन था शायद मैंने बोला भी था डीपीपी में, जो लॉग वाली डीपीपी मैंने तुम्हें दी थी उसके अंदर 7th क्वेश्चन आई थिंक दैट वाज बेस्ड ऑन लॉग। तो इसको करने के बाद आज की लेक्चर के बाद दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया लॉग ऑफ 2 2 3 4.59। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलली, दोनों को सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ 0.0 2 3 4 5 6 7 3 2 5 8 1 देखना। और ऑफकोर्स जो भी लॉग की टेबल यूज होती है वो बेस 10 के लिए यूज होती है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले काम, उसके बाद हम इस टेबल पे आते हैं।
हमें इन लॉग की वैल्यू निकालनी है यूजिंग लॉग टेबल। तो कैसे करेंगे, जो पहले अंदर की क्वांटिटी लिखी है ना उसको हमें लिखना किस फॉर्म में है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं। फर्स्ट आई विल एक्सप्रेस, ऐसे लिख लेना प्रॉपर, जैसे 2 point समथिंग के फॉर्म में। 2 point इसलिए बोला इधर क्योंकि 2 लिखा है, इधर जो भी लिखा हो मतलब एक डिजिट आना चाहिए और इधर पॉइंट के बाद बचे हुए डिजिट्स आने चाहिए। तो इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूंगा, पहले तो मैंने लॉग बाहर लिखा है टू द बेस 10, इसको लिख सकता हूं 2.3459 इंटू 10 की पावर, कितना किसका है मैंने 1, 2, क्लियर है, वही चीज लिखा है, बोथ आर इक्विवेलेंट। अब सुनना कैसे करना है, अब इधर मैं log a plus log b वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो इसको a मान रहा हूं इसको b, तो इधर क्या किया पहले इस पे लिखा, तो log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, 2 आ गया जाएगा, तो दिस 2 प्लस log ऑफ 2.3459, ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्या करना है मुझे, इस नंबर को पहले फर्स्ट डिजिट पॉइंट समथिंग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, फिर ऐसे किया, वो ऐसे कैसे लिखेंगे, वो 10 की पावर करके लिख सकते हैं जैसे कि मैंने इधर लिखा। अब मैं क्या करूंगा, अब लॉग टेबल का एक लिमिटेशन है कि हम 4 डिजिट तक डील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 डिजिट, बट इधर तो हमारा क्या है कि 2.3459 5 डिजिट दे रखे, तो हमें लास्ट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा या फिर बोल सकते हैं राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको मैं लिख लेता हूं 2 प्लस लॉग ऑफ 2.34659 को 6 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। अब कंसंट्रेट ऑन दिस नंबर, अच्छा उससे भी पहले एक चीज और, अब जैसे कि मैंने तुम बताया था कि लॉग 1 क्या होता है, जैसे अभी आज की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि लॉग 1 तो होता है 0 और लॉग इधर नीचे लिख लेता हूं लॉग ऑफ 10 क्या होता है 1, तो इसके बीच में 1 से लेकर 10 तक अगर हम बढ़ते हैं, तो लेट से मैंने लिखा लॉग ऑफ 2 point something, तो ये वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, 0 point something आने वाली है, 0 से तो बड़ी आएगी 1 से छोटी आएगी, तो हमेशा हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा क्या हो गया डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया हमारा पूरा मेंटीसा, और ये लाइक इसमें करेगा 0 to 1, दिस विल बी इंटीजर, ये तो ठीक है क्लियर लिखा है, मेन तो मुझे इस पे निकालना है लॉग ऑफ दिस। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे देखना आप ध्यान से, क्या किया पहले मैंने इस नंबर को डेसिमल डेसिमल भूल गया, अब मुझे इतना पता है कि ये जो नंबर आने वाला है लॉग ऑफ समथिंग ये ऐसा आने वाला है 0 point something, इतना याद रखो बस 0 point something आने वाला है, अब बस मेन काम है हमारा वो समथिंग निकालना, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, इस नंबर को मैंने अलग से ले जाके लिख लिया 2, 3, 4, 6, ठीक है। अब क्या करो, ये दो डिजिट पे कंसंट्रेट करो, इसको सेपरेटली डील करो, इसको सेपरेटली और इसको सेपरेटली, क्या करना है, 4 डिजिट्स में लिखा है ये, जैसे कि मैंने बताया था 6, 5 थे लेकिन 4 में कर दिया राउंड ऑफ करके, तो ऐसा आ गया। अब मैंने पहले दो डिजिट को एक साथ लिखा, दैट रिप्रेजेंट कॉलम 1 ऑफ लॉग टेबल। अब लॉग टेबल पे आओ, तो लॉग टेबल पे मैं आया, जस्ट ओपन योर लॉग टेबल नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लॉग टेबल पे जो पहला कॉलम है उसमें देखो नंबर दिए 10 से स्टार्ट होके दैट विल एंड अप टिल 99, ठीक है ना, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, तो उसमें 23 कहाँ आ रहा है वो देखो पहले, तो उसको गोला कर लो, जैसे ऐसे दिया है कॉलम, मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट में 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, 23, 24 एंड सो ऑन टिल 99 जा रहा है, ऐसा कुछ तो है कॉलम 1, तो मुझे इस पर कंसेंट्रेट करना है। फिर क्या दिया है, इधर हमारा 0 से लेके 9 तक कॉलम दिए, 0, 1, 2, 3 अप टू 9, ठीक है, तो मुझे ऐसे लाइन दे रखी है, ठीक है, ऐसा दे रखा है तुम्हारे लॉग टेबल में, तुम देख पा रहे होगे। अब इसके बाद एक और कॉलम दे रखा है, इधर लिखा है मीन डिफरेंस, उसे हमें मतलब नहीं है अभी क्या है उसका, उसका मीनिंग हमें मतलब नहीं है, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो देखना इधर क्या लिखा है 1, 2, 3 फिर लिखा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो देखना आप ध्यान से, आई ट्राई, मतलब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, इसके बाद जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे फिजिकली क्लास में करने की, अगर अभी ध्यान दोगे, हाँ हाथ में जरूर तुम्हारा लॉग टेबल होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 6 लिखा है, तो मैं क्या करूंगा पहले इस नंबर, इस पहला कॉलम देखा 23 का है, फिर 4 वाला, तो 4 वाला इधर है 4, इसके नीचे मूव किया और इधर मूव किया, तो इधर एक नंबर लिखा होगा
तुम बताओ रीड, तुम देखो रीड करके क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ दैट नंबर इज 23 और 4 के करस्पॉन्डिंग नंबर इज 3692। देखो तुम वेरीफाई करो, वही लिखा है क्या 3692। तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर आया 3692 इन दोनों की मदद से। अब क्या करना है हमें, जो थर्ड वाला नंबर है 6, उसके लिए हमें इस वाले में मूव करना है। समझ में आया? देखो ये नंबर जो है वो सेकंड वाले थर्ड डिजिट के लिए, ये वाला जो कॉलम था दिस इज फॉर फर्स्ट टू डिजिट, लिख लो ऐसे, एंड दिस इज फॉर फोर्थ डिजिट। ठीक है, इन कॉलम्स का यूज थर्ड डिजिट के लिए होगा, इसका फोर्थ के लिए और इसका फर्स्ट टू डिजिट के लिए। ठीक है चलो, तो एक अभी 20 पहले क्या किया हमने, 23 का मार्क किया कॉलम वन में, उसके करस्पॉन्डिंग फोर पे गए, फोर्थ वाले पे, उसके नीचे नंबर देखा 3692 लिखा है जैसा कि मैंने देखा लॉग टेबल में। अब क्या करेंगे, अब सिक्स वाला देखेंगे, तो सिक्स वाला इधर से देखेंगे, तो इसके नीचे आएंगे, ये नंबर देखेंगे, तो ये नंबर जो लिखा है वो लिखा है 11। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे बस, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो क्या किया, प्लस 11 इसके करस्पॉन्डिंग आया था, तो यू सी क्या आ रहा है, 2+1 3, 9+1 10, 1073। तो ये आया मेरा 3703। अब क्या करूं मैं इसका, वो मेरे दिमाग में आना चाहिए। क्या किया मैंने, इन दोनों नंबर्स को, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तो मेरा आया 3703 आया। अब मुझे पता है कि क्या, कि मैं ऐसा तो नहीं करूंगा 2+3703, नहीं, वो फ्रैक्शन होना चाहिए। तो क्या किया हमने, उपद के क्या किया, इधर एक डेसिमल लगा दिया, क्योंकि वी नो कि जो मेंटीसा है वो 0 point something होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं फाइनल आंसर, 0.3703, इधर क्या है 2+, तो दिस इज 2.3703। क्लियर हुआ बच्चों, दैट इज माई आंसर फॉर दिस। क्लियर है, एक बार और गो थ्रू करते हैं, उसके बाद क्या करो तुम एक बार खुद से कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा इससे बेटर होगा अफकोर्स, क्योंकि इधर माइनस पावर आने वाली है। हमें याद क्या रखना है, हमें कि इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हम लॉग टेबल यूज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा के फॉर्म में लिखने के बाद हम लॉग टेबल यूज करेंगे। एक तो ये चीज यूज कैसे करेंगे, एक बार और लिख, एक बार और शुरू से हम गो थ्रू करते हैं। क्या किया हमने, लॉग ऑफ दिस टू द बेस 10 दे रखा था, सबसे पहले जो नंबर आर्ग्यूमेंट दे रखा था उसको मैंने ऐसे लिखा, वन एक डिजिट पॉइंट समथिंग, उसको लिखने के लिए आई यूज 10 का पावर, फिर लॉग ए बी से मैंने 10 के पावर वाले टर्म को अलग लिखा, और फ्रैक्शन जो नंबर लिखा है 1 से 10 के बीच का उसको अलग लिखा उसका लॉग। फिर मैंने क्लेम किया क्या, कि ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये मेंटीसा होगा, उसके बाद मेंटीसा होगा तो 0 point something लाई करेगा। और फिर एक और चीज इसमें क्या बोली थी, कि जो लॉग टेबल है उसकी बोल सकते हैं क्या है, डिमेरिट है कि वो 4 digit तक ही डील कर सकती है, मतलब 4 digit तक ही एक्यूरेट रिजल्ट दे सकती है, उसके बाद एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब यू कैन, तुम सोचो बहुत छोटा नंबर लिख दो इधर 5999 ऐसा कुछ लिख दो, उसका नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेटली होगा, मतलब हम 4 digit तक ही निकाल सकते हैं। तो फिर इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 9 लिखा था, 59 लिखा था, तो उसको 6 लिख दिया। अब इस नंबर को, अब मुझे बताया इस नंबर का लॉग लेने पे 0 point something आएगा, सो दैट विल बी नथिंग बट अवर मेंटीसा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस थिंग। उसको निकालने के लिए क्या किया, पहले 2 3, पहले 2 digit देखे 2 3, दैट विल यूज फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम, फर्स्ट कॉलम। फिर जो 4 है वो इनमें से एक कॉलम होगा, और जो 6 है वो बाचे हुए उनमें से 6 कॉलम होगा। तो दिस कॉलम इज यूज फॉर 2 3, दिस इज फॉर 4 एंड दिस इज फॉर 6। फिर क्या किया, 2 3 जो कॉलम नंबर है उस पे गए, 2 3 पे, यहाँ 2 3 लिखा है, उसके करस्पॉन्डिंग और 4 के करस्पॉन्डिंग, इधर 4 के करस्पॉन्डिंग नंबर देखा क्या आ रहा है 3692, तो 3692 लिख लिया। फिर वही 2 3 को मेंटेन रखा, और फिर 6 के करस्पॉन्डिंग नंबर देख लिया, उधर 11 लिखा था। अब क्या किया, इन दोनों नंबर को ऐड किया, तो ये आया 3703। अब मुझे पता है सिंस दिस इज अ पार्ट फॉर अ मेंटीसा, तो एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया आगे, तो 2.37। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना? और भी कुछ क्वेश्चंस तुम लोग उससे भी वेरीफाई कर लेना, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए ना कि तुम्हारा सही जा रहा है या नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसको और डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, पूरा नहीं करता हूँ बट एटलीस्ट कुछ लेवल तक कर लेता हूँ। तो बिफोर दैट आई विल रब दिस पार्ट, सो कॉपी दिस मच पार्ट, आज आ जाएगा तुम्हें, और आज ही डाउट पूछ लेना तुम्हें जो भी डाउट हो उसमें, किसमें, हाउ टू फाइंड लॉग यूजिंग लॉग टेबल। तो ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ठीक, आई विल नॉट रब दिस पार्ट। तो क्या करें, जैसा कि मैंने बोला था इसमें क्या करना हमें, सबसे पहले 1 digit पॉइंट समथिंग के टर्म्स में लिखना है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखना ध्यान से, फर्स्ट स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3.2
5.81 × 10 की पावर। अब खुद से लिखो एक बार, खुद से वीडियो पॉज करके लिखो इसके पावर क्या लिखूं। तो देखना मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ कितने जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 7 जीरो तो 3 के उधर ले गया, तो 8 तो 10 की पावर -8। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, है ना। चलो अब क्या किया, अब सेपरेट किया, दिस इज ए दिस इज बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो जो हो गया लॉग ऑफ 3, एक काम करते पहले बी वाले पार्ट को लिख लेते हैं, तो लॉग ऑफ 10^10 हो जाएगा, -8 आगे आ जाएगा, तो दिस इज -8 प्लस लॉग ऑफ 3.2581। अब ये मेरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक, और ये मेरा क्या है मेंटीसा, मेंटीसा है तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब 0 point something। अब मुझे क्या करना है, पहले तो इसको राउंड ऑफ करके 4 digit बनाना है, तो इसको मेरे को 4 digit बनाना है, तो इसको लिखा लॉग ऑफ 3.2581 को नेगलेक्ट कर दिया राउंड ऑफ करके। अब वी हैव टू सी, अब इसको अलग से लिखा नंबर को, अब डेसिमल को एक मिनट के लिए भूल गए, अब मुझे इन 4 number से मतलब है, तो पहले दो को एक साथ लिख के इधर 32 कॉलम देख लिया, तो 32 के करस्पॉन्डिंग मैं लिख लेता हूँ, तो लिखता हूँ इधर, तुम लोग वेरीफाई करना खुद से कि सही लिखा है या नहीं मैंने, 32 के करस्पॉन्डिंग और उधर से 5th, मतलब इधर से 5 आएगा और 32, तो 32 और 5 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है 5119, 5119। अभी एक और चीज करेंगे, अब 8 वाला कॉलम और देखेंगे, तो उधर 8 वाला देखोगे तो अगेन इट इज 11, आई थिंक यू जस्ट वेरीफाइड इट इज 11, तो इन दोनों को ऐड किया तो 10315, तो 5130 आया। अब मुझे पता है कि ये मेंटीसा है, तो क्या लगाया पॉइंट लगा दिया आगे, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, देखो ध्यान से मेरा कहाँ लिखा है इसका, ये देखना -8 + 0.5130, बस तुम कैलकुलेट कर लेना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना इससे। क्लियर है बच्चों, दिस विल बी मेंटीसा एंड दिस विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरऑल दिस इज अ वैल्यू ऑफ दिस लॉग, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। अब लास्ट हम देख लेते हैं एंटी लॉग, वी विल सी एंटी लॉग, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। तो लॉग का टेबल रख देते हैं, अब तुम उठा लो अपना हाथ में एंटी लॉग वाला टेबल, दो टेबल होते हैं, जैसा लॉग होता है वैसे एंटी लॉग। तो उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ एंटी लॉग होता क्या है, लॉग का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है बेटा लॉग का अपोजिट, तो पहले देखते हैं उसके बाद हम निकालना सीखेंगे हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। उसको समझने के लिए देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैंने कहा लॉग ऑफ 100 to the base 2 कितना होता है, हमें पता है सॉरी 2 to the base 10 कितना होता है 2, ठीक है ना, 100 को लिख सकते हैं 10 square तो 2 आ गया, ये होता है। तो देखना मैं दो चीज लिख रहा हूँ इसके हिसाब से, 2 को तो मैं बोलूंगा 2 is called log of 100। अफकोर्स इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 क्या है बेसिकली log of 100 है बेस 10 के साथ, अफकोर्स अभी बेस 10 की बात चल रही है, और इसका उल्टा हो जाएगा। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 इज कॉल्ड, ये लिख लेना 100 इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ 2। और मुझे पता है, अब जैसे मेरे को पता है 100 आया कैसे बेसिकली, एंटी लॉग ऑफ 2 है तो 100 आया कैसे, ये 2 का एंटी लॉग है, तो क्या करूं 10 की पावर में 2 को लिख दो, समझ में आया, जैसे मैंने बोला एंटी लॉग ऑफ 3 क्या होगा, तो यू शुड से डायरेक्टली 10 की पावर 3। मैंने बोला एंटी लॉग ऑफ 2.5 तो क्या लिखोगे 10 की पावर 2.5। तो बेसिकली ये नंबर निकालना सीखना है हमें, एंटी लॉग ऑफ 2.5 पूछ लेगा वो एग्जामिनर, फिर बोलेगा या फिर एंटी लॉग ऑफ 91.3 तो क्या हो जाएगा 10 की पावर में 91.3। क्लियर हुआ, सो एंटी लॉग मतलब समझा कि एक नंबर होगा उसका एंटी लॉग क्या होगा, 10 की पावर में वो नंबर लिख देंगे बस, दिस इज कॉल्ड एंटी लॉग। तो ये तो यहां तो डायरेक्टली दिख रहा है इट इज 1000, बट यहां कैसे बताओगे तुम 10 की पावर 2.5, ठीक है ना, 10 की पावर 2.5 कैसे बताओगे, उस चीज के लिए हमारा यूज होगा एंटी लॉग का टेबल। आई होप समझ में आया होगा व्हाट इज एंटी लॉग। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद हम उसको सीख लेते हैं उस एग्जांपल के थ्रू हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। ठीक है, तो इतना पार्ट पहले कॉपी करो वीडियो को पॉज करके। तो एग्जांपल इज, देखना मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो
मैंने लिखा फाइंड, जैसे अच्छा ऐसे लिख लेते हैं लॉग ऑफ, ऐसे लिखा मैंने लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस 17.8192। ये तो पहले एक काम करें पॉजिटिव, चलो इसी के लिए कर लेते हैं। तो अब मुझे पता है कि x क्या होगा मेरा, x इज व्हाट 10 की पावर माइनस 17.8192, या फिर x इज कॉल्ड एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग ऑफ माइनस 17.8192, इसका एंटी लॉग है, मुझे ये निकालना है एंटी लॉग ऑफ दिस, मतलब x निकालना है मुझे बेसिकली, ठीक है। अब सुनना, अब मैंने बताया कि ये रिवर्स प्रोसीजर है हमारा लॉग, जैसे लॉग निकालते हैं उसका रिवर्स प्रोसीजर, तो रिवर्स प्रोसीजर है तो पहले मैं क्या लिखूंगा इसको, फर्स्ट आई विल राइट इन दिस इन टर्म एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो वैसा करने के लिए मैंने बोला इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा इसका, इसके इमीडिएट में जो लेफ्ट में इंटीजर है दैट इज माइनस 18, अब मेरे को मैंटीसा लिखना है तो इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा मैंटीसा देखना, 18.0000 माइनस सॉरी या 17.8192, दिस विल बी मैंटीसा। क्या बोला, दिस x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो इससे मेरा आ जाएगा 10 माइनस 2 इज 8, इधर बचा हमारा 9 माइनस 9 0, फिर मेरा इधर बचा 9 माइनस 1 इज 8, फिर 9 माइनस 8 इज 1, तो मेरा ये आया मेंटीसा। तो इस नंबर को मैंने बोला माइनस 17.8192 को आई कैन राइट इट एज माइनस 18 प्लस 0.1808, ठीक है 8192, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, अब हमें इसका उल्टा प्रोसीजर करना है, तो अगेन ये तो आराम से डील हो जाएगा, एक इंटीजर है 10 की पावर माइनस 18, मुझे बेसिकली देखो इसका एंटी लॉग चाहिए था तो मुझे चाहिए क्या था, दोबारा समझो, देखो 10 की पावर कंफ्यूजन नहीं होना है माइनस 17.8192, तो इसका मतलब देखो अब मेरे को 18 की पावर में ये लिखना है, ये तो एक यही चीज लिखी है, तो 10 की पावर माइनस 18 तो ईजिली हो जाता है, ये तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम, बट दिक्कत क्या है 10 की पावर 0.1808, इसमें दिक्कत है, इसी का हमें इसी को डील करना है एंटी लॉग टेबल से। क्लियर हुआ, तो ये तो मेरा ये लिखा है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्या करो, अब जैसे इधर क्या लिखा है 0.1808, तो अगेन अब तुम कॉलम वन पे जाओ, तो कॉलम वन पे तुम्हें दिख रहे होंगे 0.00.01 वाला स्टार्ट हो रहा था, इसमें 0.18 देखो क्या बोल रहा हूँ, जैसे उधर 10 से स्टार्ट हुआ था 10, 11, 12, 13, 14, इसमें पहला कॉलम देखो ध्यान से एंटी लॉक की टेबल में क्या स्टार्ट हो रहा है 0.00.01.12 एंड सो ऑन, उसमें पहले 0.18 पे जाओ, तो लेट्स से इधर 0.18 लिखा है, फिर इस कॉलम में अगेन तुम्हारा लिखा है 0, 1, 2, 3, तो इधर मुझे 0 दिख रहा है तो 0 पे इधर 0 पे जाओ, फिर ये नंबर और ये नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग देखो आई कैन सी इट इज रिटर्न 1514, फिर इस 8 का काम, फिर अब 8 वाले पे जाओ, उधर अगेन 1 से लेके 8 तक नंबर लिखे 1, 2, up to 8, तो इसमें 8 वाले पे देखो क्या लिखा है, इट इज रिटर्न 3, आई थिंक 3 लिखा है, देख लो वेरीफाई कर लो, तो इसमें क्या ऐड करूंगा मैं, इस वाले नंबर में 3 और ऐड करूंगा, तो 7151। अब आंसर कैसे लिखूंगा, ये तो हो गया मेरा उन दोनों नंबर को ऐड किया, जैसे एंटी जैसे लॉक का किया था सेम वही किया, कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है ना। अब मैंने बोला 1517, अब ये लिखूं कैसे मैं इधर, तो अब देखना ध्यान से, मुझे पता है कि ये वाला पार्ट तो मेंटीसा के कारण आया था ना, अब मेंटीसा के कारण आया था तो मेंटीसा जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो किसका लॉग लेने पे 0 से 1 के बीच में लाई करता है, सम एक डिजिट पॉइंट समथिंग, तो इस वाले को हम क्या लिखाएंगे 1.571, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं लिखूंगा 1.517 और ये लिखा है इनटू 10 की पावर माइनस 18, समझ में आया क्या है, ये जो नंबर है ये वाला ये नंबर लाइज ये 1 से बड़ा होगा ग्रेटर देन 1, वो दिख रहा है 1.51, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, और 10 से छोटा होगा ऑफकोर्स 10 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 10 से ये बड़ा होता तो इधर ही हम क्लब कर देते ना एक 10 को, समझ में आया, सो दिस नंबर इज क्या होगा, इट इज जैसे ये नंबर मैंने बोला इट इज ग्रेटर, लेट्स से मैं x बोल रहा हूं, दिस इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, तो उसका एंटी लॉग क्या होगा 1 मतलब 1 से 10 के बीच में लाई करेगा, क्लियर है, समझ में आया,
तो एक दो एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एंटीलॉग के, जिसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। बाकी सीखने के लिए इतना काफी है। और अगेन मैं ये बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे, स्पेशली फाइंडिंग लॉग यूजिंग लॉग टेबल, इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है हम लोगों को। हमें स्ट्रेस का देना है स्पेशली जो भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल किए थे ना, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटी सर, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है। फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर्टी ही मेन है, ठीक है ना। सो दिस विल एंड अप योर लॉग चैप्टर। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक, अगले लेक्चर से। तो होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा लॉग चैप्टर और मजा भी आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछो, ठीक है ना, व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल वगैरह भी कर सकते हो, डोंट हेजिटेट, यू कैन कॉल मी। अभी एक दो दिन से थोड़ा मेरा टाइम बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट अभी थोड़ा मैनेज नहीं हो पाया, तो मैंने कुछ बच्चों के रिप्लाई मेरे को देने बाकी हैं एक दो बच्चों के, बट संडे मतलब कल कोशिश करूंगा मैं इस मतलब एक दो दिन के अंदर सारे डाउट्स उन लोगों के सॉल्व कर दूं, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, उसके बाद हम एंड अप करते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जांपल है तुम्हारा लॉग, लेता हूं फाइंड लॉग ऑफ, फाइंड लॉग यूजिंग लॉग टेबल। तो पहला है तीनों का लॉग निकालना है, और एक दे देता हूं एंटी लॉग के ऊपर, ठीक ना। तो ये छह दो चार क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस हो जाएंगे। फाइंड एंटी लॉग, फाइंड एंटी लॉग, ठीक है ना, ऑफ फॉलोइंग। तो पहला नंबर तो दिया है 3.1456, सेकंड इज एंटी लॉग ऑफ माइनस 11.2346, और थर्ड इज 15.789, ठीक है। इन तीनों का तो एंटी लॉग निकालना है, मतलब 10 की पावर दिस, 10 की पावर दिस, 10 की पावर दिस, ठीक है ना। तो देखो निकालने के पहले अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देखो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।